जा रहे हैं हमारे स्कूल, रिजल्ट आने मेरा। हेलो गाइस, और गुड मैं अब मॉर्निंग। एट्थ क्लास में चली गई हूँ। अभी चली नहीं गई चली है, अभी गई हूँ। अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया एट्थ क्लास तक रहता है पास होने का। पास तो वैसे भी हो ही जाएंगे, अच्छे नंबर का वो है ना। छोटी मत बोलिए, हम बड़े हो गए हैं। तो क्या उम्मीद है, कितने मार्क्स आ जाएंगे? आ जाएंगे 70 अप। कितना? 70 अप, 70% अप। अच्छा, 80% नहीं, 90% अप आने की कोशिश रखे हैं। देखो, कोशिश रखी हो आएगा। हाँ तो कोशिश तुम भी रखो ना, तभी तो आएगा। 99 की कोशिश रखते हैं, पर हो नहीं पता। मैं सेम टू यू। अब मैं सोच रही हूँ 70 अप ही आएगा। हाँ, हमारे यहाँ ट्रेन भी जा रही है, देख लीजिए। तो गाइस, ये हमारे यहाँ का कैंट एरिया है, जो कि बहुत ही शांत रहता है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा है। अभी आगे का सीन, और ये रहा KVS अयोध्या का, ये पीयू का स्कूल, मेरा सुंदर मंदिर स्कूल, सुंदर मंदिर स्कूल है इनका। अच्छा है पीयू स्कूल तुम्हारा? ड्राइंग स्कूल अच्छा है। ए एल क्लास में किसी मिलेगा पीयू क्या? कर रहे तो प्रज्ञा कैसा लग रहा है? आप थोड़ा बढ़िया है, ठीक है ना? अच्छा है। प्रज्ञा की मम्मी प्रज्ञा का रिजल्ट चेक करते हुए, अच्छा पीयू का है। प्रज्ञा तो क्या धक धक हो रहा है? नहीं बस हो गया। हो गया, एक एक नंबर का है। सही हो गया। माही से मिल लो, क्या हाल चाल? माही क्या हाल चाल है रिजल्ट का? ये अभी देख रहे थे। कैसा क्या लग रहा था कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स आएंगे? देखिए, लग तो बहुत अंदर से सी धक धक हो रही थी, बट एज कंपैरिजन में जितना सोच रही थी, रियलिटी में बहुत अच्छा है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, बट मार्च में थोड़ा मेरे को करने की जरूरत है, तो एट्थ में और अच्छा प्रयास रहेगा मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू। मैं एट्थ में करूँगी। नहीं तो क्या क्या उम्मीद थी तुमको, कितना लेके आई हो? अरे इस बार ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास की वजह से आधा हो गया था। माफ करता हूं। अरे नहीं, ठीक है। और घर घर जाके डांट खाने की उम्मीद है? नहीं, क्यों? ठीक है, मैं 8 से और वो करूंगी, साइंस और मैथ कंसंट्रेट। और पीयू अब बताएंगी अपना? टर्म 1 में थोड़े मतलब थोड़े बेकार आए हैं, बट टर्म 2 में अच्छे आए हैं और आगे अच्छा प्रयास करेंगे, स्पेशली साइंस में। थोड़े बेकार मतलब? मतलब टर्म 1 में, टर्म 1 में ये था कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, टर्म 2 में हम लोग ने ऑफलाइन क्लास कर रहे। नेक्स्ट टाइम से, अगली बार 8th से तो फर्स्ट। ये भाभी जी, आप प्रज्ञा की तरफ से खुश हैं? आप बताइए दीदी, पीहू की तरफ से? पीहू की तरफ से भाई सब कुछ अच्छा है, आगे चल के और मेहनत करें, हम यही चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ मम्मी लोग अपना अपना सुझाव दे दी हैं। अब पीहू का स्कूल देख लीजिए आप लोग एक नज़र में। पीहू, तुम्हारी क्लास कहाँ लगती है? मेरी अब 8th A है। 8th क्लास में कैसा रहता है प्रेजेंटेशन इनका? तो मीडिया बना सर ने बता दीजिए, हमारे ब्लॉग में पीहू आने वाली है। वो देखिए आप, सब काम करने बहुत
पीयू को मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत है जी सर। बाकी अच्छी है पीयू, क्लास में अटेंडेंस भी अच्छी है। सर क्लास में सबसे फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग, ना तो सॉफ्टवेयर डिस्क्लोज करता है ना हमारा संगठन बोलता है बच्चों को बताया जाए जी सर, इससे उनको लगता है इंफीरियर होंगे बाकी बच्चों जी सर, वो पता चल जाए। हाँ रैंक नहीं बताई जाती जी। जी सर थैंक यू सर। कहाँ चलना पी हूँ बुक लेनी भैया कुछ नहीं, ब्लॉगिंग करते हैं ना तो वही इनका।